हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 चैनल के ऊपर. दिस इज नॉट ओनली अ चैनल, दिस इज अ ब्यूटीफुल सोल फैमिली जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से चांद के टुकड़े हैं एज माय फैमिली मेंबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स. गाइडेड है टोटली. मैंने आपको पता ही है मैं बहुत कम करती हूँ 48 आवर्स की रीडिंग, क्योंकि जब भी करती हूँ कुछ ना कुछ कमाल होता है. जो चीज आती है ना काज में वो डेफिनेटली हो रही होती है. तो वी विल विश कि आज की रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत अच्छी आए, ताकि आप लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा हो. तो वरदान वाली रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 48 आवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. रिवर्सल्स मैं रीड नहीं कर रही हूँ. क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज गाइडेड रीडिंग. ओके सन, किंग ऑफ पेनिकल्स, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोल्स. देखो ये लव रीडिंग है, लेकिन अगर करियर रिलेटेड कुछ आया जो कि मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट किया, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी. तो ये कार्ड आए हैं हमारे पास. देन नेक्स्ट कार्ड और निकालते हैं. कार्ड्स की अपनी मर्जी है भाई, यही कार्ड निकला था पहले, बट मैंने सोचा कि अभी अच्छे से शफल नहीं हुए हैं एंड वही कार्ड निकल गया. क्वीन ऑफ कप्स, नॉट बैड. टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, मुझे ये गाना बहुत बहुत अंदर ही अंदर ना आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है. बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास. मैं ये जो गाना अभी बोल रही थी ना, जिसके बारे में मैं इस गाने को पिन जरूर करूंगी आप लोगों के लिए, हो सकता है ये इसके अंदर कुछ मैसेजेस हो आप लोगों के लिए. ओके सो डेफिनेटली आई विल पिन देम. मैं यहाँ से आपके लिए ये भी निकालूंगी एंड लव मैसेजेस भी देखेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, ताकि हमें पता पड़ सके कि क्या सोच रहे हैं वो. हनीमून, हनीमून का कार्ड है. ब्यूटीफुल पीपल, वेडिंग. अरे बाप रे, कमाल हो गया. एंड दिस कुड बी द वन. ओके यार, और एडवाइजेस निकालते हैं, रुको मुझे बड़ा मन कर रहा है. देन डेफिनेटली आई विल पुल आउट सम कार्ड मोर. कॉलिंग इन योर सोलमेट, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू, मेक द एफर्ट. ओके एंड चिल्ड्रन. ठीक है, या तो आपको एफर्ट करने की जरूरत है इस रिश्ते में, या फिर आपके पर्सन को एफर्ट करने की जरूरत है इस रिश्ते में. बात तो बनी हुई है. बॉटम ऑफ द डेक, ट्रू ऑफ ट्रू लव. तो ये ट्रू लव है भाई. ठीक है, चलिए अब चेक इन करते हैं आपकी रीडिंग. मैं थोड़ा सा कैमरा ना ऐसे कर देती हूँ. आई गेस अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से. तो आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी राशियां मौजूद है, हो सकते हैं. नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है? अगर आप किसी पर्सन के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मत वेट कीजिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिल सकता है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ. मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे फील दे रहे हैं जैसे कि वो लोग बैठे हैं कमिटमेंट के इंतजार में, जैसे आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ सही चल रहा हो, बट आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से, या वो मैरिड है किसी और से बट डिवोर्स केस में फंसे हुए हैं, इसलिए कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है जिससे वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. हो सकता है अभी वो कंफ्यूज हैं इसलिए, क्योंकि अभी उनका करियर ठीक नहीं है. ओके सो दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट एंड यू वॉन्ट दिस, एक्चुअली ये रीजन है. कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सेपरेशन में चल रहे हैं विद देयर पर्सन. क्यों? क्योंकि भाई माँ नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, फैमिली के स्यापे बहुत हैं, या ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं आप, रिग्रेट वाली एनर्जीज में चल रहे हैं आप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, मिसकंसेप्शंस अपने आप ही, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, जबकि ऐसा है ही नहीं.
तो कोई भी रीजन है, या तो आप लोग वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का और आपका रिलेशन सही चल रहा है, या फिर अभी आप जो है अपने पर्सन के साथ में इन कांटेक्ट या सेपरेशन पार्ट में है जहां पर आप उनका वेट कर रहे हैं, या फिर अभी आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है बट दिस पर्सन इज योर क्रश एंड यू वॉन्ट कि इस बंदे के साथ आपकी पूरी जिंदगी हो, लेकिन एटलीस्ट रिलेशन तो स्टार्ट हो. यस. सो नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कुछ चीजें किसी से मैच होंगी, कुछ चीजें किसी से मैच होंगी, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर ऐसा होता है तो कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज फील हो रही है. आपके पर्सन ना आपको कमिटमेंट देने के लिए जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो है उनका करियर का सही होना और उनके घर वालों का फेवरेबल चांसेस फील करके सामने वाले को आंसर करना. ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके करियर से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खूबसूरत सी हैप्पी न्यूज सुनाने वाले हैं. ठीक है, किसी तरीके की कोई बड़ी हैप्पी न्यूज सुनाने वाले हैं, और ये है बड़ी जो हैप्पी न्यूज होगी, ये आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे यार ये हो गया ना, अब तो चीजें सही हो जाएंगी. ठीक है, तो अगर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को सही करने का वेट कर रहे थे तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत जल्दी, सन का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास. एंड अगर आपके पर्सन आपसे ना मुंह छुपा करके इधर उधर घूम रहे थे बिकॉज वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में. कुछ लोगों को ये भी पता लग सकता है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो में है कि उनके पर्सन उनके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं. हो सकता है आपको अपने फ्रेंड से पता लगे या फिर आपके इनर इंट्यूशन आपको बता दें, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है जस्ट लाइक मी, मेरा कोई दोस्त नहीं है. ओके, तो अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आपको आपके इनर इंट्यूशंस बताने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू राइट नाउ, एंड ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, अपना करियर सही करना चाहते हैं. आपको ये भी पता लगेगा कि ये बंदा आपको स्टॉक करता है. ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में मैरिज के कमिटमेंट्स आते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. अगर आप लोग टोटली सिंगल है, टोटली सिंगल है एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, गाइज रेडी हो जाओ, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ रहा है जो कि काफी पैसे वाला है, काफी रिच है. काफी रिच है, काफी समझदार है और फैमिली को साथ में लेके चलने वाला बंदा है जो कि इतना समझदार है, इतना जेन्युइन है कि आपको फीलिंग आएगी इस बंदे से शादी कर लेनी चाहिए. कई लोग मुझे एक शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, हो सकता है रोका वगैरह हो जाए. कई लोगों की इंगेजमेंट्स टूटती हुई मुझे नजर आ रही है, अगर गलत गलत जगह गलत पर्सन से हो रखी है तो. कई लोगों के घर वाले मुझे मानते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने घर वालों से एक बारी बात करने के बारे में सोचते हैं ना, या फिर अगर आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए तो वो चीजें भी अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही हैं. ट्रू लव है यहाँ पे, ठीक है, पैशनेट ट्रू लव है आपके पर्सन के साथ आपका, तो डेफिनेटली वो चीज जरूर होगी ही होगी. ठीक है, एंड एक चीज और कि आपकी लाइफ के अंदर जो मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई हैप्पीनेस आने वाली है. ठीक है, तो कई लोग वेडिंग करके अपने हनीमून पे जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, पर्सन का वेट कीजिए बिकॉज दिस इज द राइट वन फॉर यू. ओके, एफर्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को, जो भी पेरेंट्स की वजह से या चिल्ड्रंस की वजह से जो भी परेशानियां चल रही थी वो भी आपकी जिंदगी से खत्म होने वाली हैं. ठीक है, सो तैयार हो जाओ नेक्स्ट 48 आवर्स में, मैजिकल अगले 48 घंटे जादू ही होंगे, अगले 48 घंटे बहुत ही खुशनुमा आपको एडवाइजेस देकर जाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स. ठीक है, आपके लिए एडवाइस कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स. मैं अभी बोल रही थी और वही चीज, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल्स होंगे आपकी जिंदगी में. कंपोजर, अपने आप को बस शांत करके रखना, अपने आप को किसी भी एनर्जी से परेशान होने मत देना. ठीक है, अफेक्ट मत होने देना किसी भी एनर्जी से, एंड अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए. आप जो हैं जैसे हैं आप एकदम परफेक्ट हैं. अपनी स्किन का केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का केयर कीजिए. आपके पास है गुड लक का कार्ड, तो आपके पास में गुड लक आने को है, एंड आपके पास है ब्लेसिंग का कार्ड, तो ब्लेसिंग आने को है. ठीक है जी, नाउ लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू. आपके पर्सन के लिए जो, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए जो लव मैसेजेस हैं वो मैं चेक कर रही हूं. आई स्टॉक यू थ्रू माई फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया, मैंने बोला ही था ना यह बंदा आपको स्टॉक करेगा, आपको पता लगने वाला है. आई एम सॉरी बाय हार्ट, आई नो आई वॉज इमेच्योर विद यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई कान इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. तो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये अपने दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये इमेच्योर थे, प्लीज इन्हें माफ करें.
माई डे आई स्पेंड विद यू वर द बेस्ट एंड प्रीशियस डे ऑफ माई लाइफ. तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि जिस जो भी दिन इन्होंने आपके साथ बिताए हैं वो एकदम खूबसूरत दिन थे इनके. प्लीज डोंट बी सैड, आई प्रोमिस आई विल रीच आउट टू यू सून. तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि परेशान मत हो, ये डेफिनेटली आएंगे. तो खुश हो जाओ गाइज, नेक्स्ट 48 आवर्स ब्लेसिंग आने वाली है, बहुत सारा गुड लक आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या हुआ क्या नहीं. ठीक है, अपना अपना ध्यान रखें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. बाय.